नमस्कार आदाब। इनायत खान जिलाधिकारी द्वारा अपने हाथों से बच्चों को दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का क्या शुरुआत। 19 जून 2022 से 23 जून 2022 तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी द्वारा गैयाड़ी पंचायत भवन अररिया से बच्चों को दो बूंद दवा पिलाकर किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन एवं पल्स पोलियो अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों एवं संबंधित चिकित्सा पदाधिकारीगण को निर्देश दिया गया कि एक भी बच्चा छूटे नहीं, अररिया के सभी बच्चों को सुरक्षित पल्स पोलियो की खुराक देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यक्रम में सिविल सर्जन, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, डीपीएम हेल्थ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी एवं संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद थे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। अपने क्षेत्र के छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें। देखिए क्या कुछ कर रही है अररिया DM इनायत खान। धन्यवाद। कार्यक्रम का विशेष राउंड है, सेकेंड राउंड 19 से 23 जून तक चलेगा। इससे पूर्व में हम लोगों ने फरवरी में प्रथम राउंड किया था। इस पूरे कार्य में 1669 टीम प्रिसाइसली लगी हैं, जो घर हाउस टू हाउस भी जाएंगी, मोबाइल टीम्स भी हैं, और इसके अलावा इसको और ट्रांजिट टीम्स भी हम लोगों ने गठित किए। इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए सुपरवाइजर्स हैं, जिसकी संख्या लगभग 500 से अधिक है। इस पूरे सेकंड राउंड में लगभग 7,31,000 जो हमारे बच्चे हैं इस आयु वर्ग के, उनको हम लोग लक्षित वर्ग में रखा है। उद्देश्य यही है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन के तहत भी ये कार्य हमेशा होता ही है, लेकिन इन 4 दिन एक विशेष अभियान के रूप में कोई भी ऐसा बच्चा जो आच्छादित होना चाहिए वो नहीं छूटे, ये हमारा प्रयास है। और इसकी निगरानी के लिए सिविल सर्जन और मैं प्रत्येक दिन हम लोग शाम को डिब्रीफिंग सेशन भी करेंगे, ताकि सभी लोगों को इससे आच्छादित किया जा सके। लोगों को यही संदेश है कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। जो लोग छूटे हुए भी हैं या किसी भी वजह से उनको ऐसा लगता है कि पोलियो राउंड में 100% कवरेज हो, इसके लिए आवश्यक है कि आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जो लोग यहाँ पर आए हैं वो उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, और उनके माध्यम से बाकी लोगों से भी अपील करती हूँ कि वो अपने यहाँ पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को 100% सफल बनाएं। और जाहिर सी बात है कि उनके सहयोग के बिना यह असंभव रहेगा। और ये पूरी तरीके से सेफ वैक्सीन है, पहले से भी चला आ रहा है ये, तो इसको दशकों हो गए इस पूरे उन्मूलन कार्यक्रम को, तो किसी भी तरीके की भ्रांतियाँ नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सेफ है, और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के हित में।